है तो पीछे वाले गा दो ना, कोई दीवाना कोई पागल समझता है, मगर इस भाग की बेचैनी मेरा बाबा समझता है। क्यों समझता है पता है? क्योंकि प्रेमी कहता है कि बाबा मुस्कुराने की वजह तुम्हें हो। यहाँ हमारे जीवन में दुख होते हुए भी बैठे हैं और कीर्तन का आनंद ले रहे हैं सभी, सारे दुख भूल कर। अच्छा, परेशानी तो सबके जीवन में है, लेकिन इसके दरबार में भूल जाओ और मोबाइल वाले भैया मोबाइल जेब में डाल लो, क्योंकि मुस्कुराने की वजह। और हम खाटू जाते हैं ना तो लाइन में धक्के लगते हैं ना। अच्छा, यहाँ से कौन कौन खाटू गया है? इधर से तो वहां पे कितनी देर की लाइन होती है? तो लाइन में धक्के खाते हो ना, तो बाबा से क्या कहेंगे पता है? धक्के खाने की वजह तुम हो। और बाबा रहा जाए ना जाए ना जाए ना और सावरे। बजाओ ना मेरे बाबा के लिए ताली, इसके बिना कोई नहीं रह सकता। अब ऐसी ताली आपको पूरे कीर्तन में बजानी है। आज है कीर्तन मामा का, सावरे को मना लेना। अब पीछे वालों सुन लो कि अगर सावरे को नहीं मनाओगे और ताली नहीं बजाओगे ना, तो पीछे से सबकी चप्पल चोरी हो जाएगी। पीछे वाले आगे वाले तो बड़े समझदार हैं, सभी सच्चे श्याम प्रेमी। पीछे वालों को बाबा देख रहा है, हम नहीं देखेंगे तो भी कोई बात नहीं। अच्छा भैया, सही बात है ना? तो सुनो, आज है कीर्तन बाबा का, सावरे को मना लेना। और कैसे कैसे मनाओगे? अरे भैया जी जरा ताली। आगे वाले तो समझ गए, भैया रुको रुको, आगे वाले तो समझ गए, पीछे वालों को बुरा लग गया कि इधर इशारा करा तो यही बजाएंगे क्या? अरे ओ पीछे वाले भैया जी जरा ताली बजा लेना। अब पीछे वाले भैया ने बजा ली और हमारी बहने आपको बजानी है ना। अरे ओ बहना जी जरा ताली। देखो भैया, कम नहीं है ये भी किसी से, है ना? नहीं है ना कम? तो उठाओ सीधे सीधे हाथ सभी जो इसके प्यार में आया है, और पीछे वाले भैया जी उठा लो और मीठी मीठी ताली बजाना। क्या आज है कीर्तन तेरे
तकदीर बदल देता है। अच्छा सही बात है ना, सही बात है। तो उठाओ सीधे सीधे हाथ, उठाओ पीछे वाले भैया जी सब इधर से भी। आज है कीर्तन इनको सबको भजन भी आता है और बाबा को बुला भी लिया इन्होंने, और इन सबके साथ बाबा भी है अभी, है आपके साथ है कि नहीं है? तो गाओ। आएगा 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 मेरा दोनों हाथों से
एक हाथ